नमस्कार, मैं कृतिक गिरी और आप देख रहे हैं एएचए न्यूज। बस्ती जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी पत्नी की कोख का कातिल बन गया। कोख के कातिल ने पहले तो अपनी पत्नी की पिटाई की, फिर तरह तरह की यातनाएं देकर उसको प्रताड़ित करता रहा। पत्नी के पेट में पल रही 5 माह की बच्ची सहित पत्नी को मौत के घाट उतार कर फरार हो गया। घटना दुबौलिया थाना क्षेत्र के भरकनपुर गांव की है, जहां कलयुगी पिता ने अपनी पत्नी के पेट में पलने वाली 5 माह की मासूम सहित पत्नी को जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत की नींद सुला दी, फिर मौके से फरार हो गया। जहरीला पदार्थ खाने से लगातार ब्लीडिंग होने के कारण घर में मौजूद लोगों ने जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने सुमन को मृत घोषित कर दिया। 7 साल पहले सुमन की शादी बनकरपुर गांव के आशुतोष से हुई थी। लड़के की 4 में 4 बेटियां होने से लगातार कोख का कातिल आशुतोष अपनी पत्नी से नाराज रहता था। हाल में ही अपनी बहन बहनोई के साथ जाकर अल्ट्रासाउंड करा लिंग परीक्षण कराया, जहां आशुतोष को पता चला कि एक बार फिर गर्भ में पल रही बच्ची, तो वह नाखुश होकर अपने घर गया। उसने कोख में पल रही 5 माह की मासूम से नन्ही जान को उसके माँ के साथ मौत के घाट उतार दिया। परिजन का कहना है कि लगातार सुमन को लड़के के लिए प्रताड़ित किया जाता था, उसकी पिटाई भी की जाती थी, हाल में ही धमकी भी दी थी, अगर लड़की हुई तो उसको जान से मार दूंगा। घटना के बाबत SP हेमराज मीना ने बताया कि घटना की सूचना 112 पर दी गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या की गई है। बस्ती से राजेश कुमार की खास रिपोर्ट। गर्भ में बच्चे और माँ को उसके पति के द्वारा हत्या कर दी गई, इस तरह की है, इस तरीके का आरोप उनके परिजन के द्वारा लगाया जा रहा है। सर, क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? देखिए, सुबह 112 की उस पर जानकारी मिली है PRB पे कि ये जो गांव बनकरपुर गांव है दुबौलिया थाना क्षेत्र में, यहाँ पे एक महिला है, उसको जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया और उसकी यहाँ पे इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पति के द्वारा कुछ इनको जहरीला पदार्थ देकर इनका जहरीला पदार्थ दिया गया, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद में ये एक्सपायर हो गई है। इस संबंध में डॉक्टर जिन्होंने इनका इलाज किया उनका बयान लिया जा रहा है और आगे तहरीर प्राप्त करके आगे इसमें डॉक्टर के बयान पर और पोस्टमार्टम में जो भी पॉजिटिव डेथ आएगा उसके आधार पर सुनता है। सिर्फ इसकी बेटी के लिए बेटी पैदा करना अभिशाप बन गया, उसी कारण उसकी मौत हुई है। हाँ, 4 बेटियों के नाते, हाँ, मार डाया ठूबा बच्चा पेट में बा 3 महीने चौथा महीना चल रहा, वही नाते मार डाली है, परिवार भर जुट के मार डाले, इतना कूने से नहीं बुड़ल बाबरे बहनी का। क्या इसके पहले भी मारते पीटते थे? हाँ, ओकरे पहले से नहीं, दवाई दर्पण तक नहीं करावत रही है, कुछ नहीं। क्या कहते थे कि हमको बेटा चाहिए? हाँ, हमको बेटा चाहिए, बेटा के नाते 4 बेटियों के नाते मार डाली हमारे बहनी के, मरे जान ले ली मेरे बहनी का है। क्या नाम आपको? हमारे बहनी जान ले ली, मोबाइल दे रहे हैं अपने लग से, मोबाइल कूच डारिस फोर के बहा दीस, अब फोन कल हमारे बात कराए दिया, बतियो नहीं करा वे कुल मिल, हम सुमन से बात नहीं कर दी है। क्या नाम आपका? हमारा नाम देवमती। की हत्या हुई, क्या कुछ? हत्या करने वाले उनके परिवार के लोग हैं, उनके बेटे, उनके बहने, उनकी पत्नी। क्या कारण? बार धमकी दे रहे थे कि अगर फिर लड़की हो जाएगी तो मैं मार डालूंगा, यही बार बार धमकी दे रहे थे और रात में मार करके जबरदस्ती दवा ववा खिलवा दिए और ब्लीडिंग होकर उसकी हत्या हो गई। तो क्या उसके गर्भ में अभी बच्ची है? हाँ, गर्भ में बच्ची है, 5-6 महीने की बच्ची है गर्भ में। क्या इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया था? अल्ट्रासाउंड कहीं करवाए थे। क्या अभिशाप बन गया है बच्ची होना, इसी कारण आपकी? हाँ, इसी की है, हत्या की है, इसलिए हत्या की है। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर क्या कहना है, पॉइजनिंग की गई है? हाँ, डॉक्टर ने बताया पॉइजनिंग की गई है। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार पांडे, मेरा नाम। तुम्हारी बहन के साथ वहाँ पे रखा जाता है, किस तरीके से बदसलूकी की जाती थी उसके साथ? मतलब उसको पीड़ित करते थे लोग जो पहले से भी, और जो रात में उसको ले करके यहाँ सुबह 5 बजे हमारे पास फोन किए कि जो है उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग आइए। जब हम यहाँ आए फिर उसके बाद पता लगा वो खत्म हो चुकी है।
और इसके बाद मतलब उसको पॉइजन जांच मारा गया जो कि गोरखपुर अल्ट्रासाउंड या जांच करवाए कि उसके पेट में लड़की उनकी बहन और उनके भाई दोनों लोग गए थे तो इसकी वजह से जहर दे दिए। क्या लगातार इसकी पिटाई करते थे आपके बहन की? हाँ लगातार इसकी पिटाई करते थे। क्या मलबल टाइप का था? हाँ दारू पीता है आज तो जो हमारे भाई। क्या नाम आपका? बुद्धि सागर पांडे। बाइक से जा रहे युवक पर बेखौफ बदमाशों ने की फायरिंग, युवक घायल। खबर आ रही है बस्ती से जहां जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। जानकारी के अनुसार मऊघाट विशेषगंज मार्ग पर स्थित बलाडे गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने क्षेत्र के रेवरदास निवासी ओम प्रकाश त्रिपाठी के बड़े पुत्र सूर्य प्रकाश त्रिपाठी उर्फ राम को चलती गाड़ी से गोली मारी। सूर्य प्रकाश मौके पर ही गिर कर बेहोश हो गए, जहाँ से स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया। गोली दाएं पैर में लगी है। हरया से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय फैजाबाद के लिए चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। घायलों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। देर रात्रि होश में आने पर घायल ने बताया कि सफेद कार से पहले उनकी बाइक को डिपर देते हुए रोका गया। गाड़ी से उतरते ही अमारी निवासी हरिकेश ने पकड़ कर मारना शुरू किया, जबकि नारायणपुर निवासी सुनील गुप्ता ने गोली मारी। गोली मारने के लिए उनके साथ उपस्थित सुनील गुप्ता के पिता ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया। कुछ वाहनों को आता देख तीनों मौके से फरार हो गए। थाना अध्यक्ष हरया सर्वेश राय ने कहा कि शीघ्र ही अभियुक्त कर लिया जाएगा। बसी से राजन कुमार की रिपोर्ट। पैर में कौन मारा? सुनील मारा। सुनील मारा? हाँ, हर केस गाड़ी चला रहे थे वो भी आए थे वो, और एक दाढ़ी रखा हुआ था लड़का, उसको शकल से पहचान लेंगे, ऐसे नाम से नहीं जाए। तीन लोग थे? तीन लोग थे और गाड़ी में थे, गाड़ी में से नहीं थे कोई, कसम दे रहा था मैं। गाड़ी में जो लोग थे वो कसम दे रहे थे? हाँ, एक कोई था इन एजेड टाइप का, वो कसम दे रहा था। हरिकेश थे, सुनील थे जी। कहाँ रहने वाले हैं? हरिकेश हमारी साइड के, घर वर नहीं जानते। सुनील? सुनील नरेरा पुत्र। सुनील गुप्ता? हाँ, ये 10-11 बजे स्टेट शाम को। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर अमेठी में हुए विभिन्न कार्यक्रम। अमेठी में सेवा कार्य नहीं रुकेगा, सिंगर। महिला सुरक्षा बाल विकास अधिकरण की संरक्षक सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेस नेत्री नगमा के अनुदान से अमेठी में लगातार गरीब मजदूर मजबूर महिलाओं और बच्चों को सहायता दी जा रही है। सहायताएं महिलाओं को राशन किट और बच्चों को दूध और बिस्किट वितरण किया जा रहा है। यह कार्य नगमा के अनुदान से प्रियंका गांधी के प्रयास से महिला सुरक्षा बल विकास अधिकरण के चेयरमैन अरुण त्रिपाठी और उनकी टीम की अथक मेहनत से महिला सुरक्षा का बाल विकास अधिकरण का यह कार्य भारत के कई प्रांतों में लगातार चल रहा है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संसदीय क्षेत्र में अमेठी के तिलोई विधानसभा अंतर्गत डिघिया गाँव में गरीब महिलाओं को राशन किट और बच्चों को दूध और बिस्किट लंच का पैकेट वितरण किया गया। बड़े हर्ष की बात है कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, आधुनिक युग के निर्माता माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को अमेठी को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के जनक का जन्मदिन अमेठी कांग्रेस के सिपाहियों ने बड़े जोश खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर अमेठी के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंगल और महासचिव नरसिंह बहादुर सिंह, महिला सुरक्षा बाल विकास की अधिकरण की टीम शुभम सिंह, दुर्गेश दीक्षित, अमेठी लोकसभा के वरिष्ठ कांग्रेस सिपाही राकेश मिश्रा, पूर्व प्रमुख मोहम्मद लतीफ, राम प्रसाद गुप्ता, एडवोकेट रवि बाजपेयी, हरिनाम सिंह, सत्यदेव यादव, कार्यक्रम प्रभारी दुर्गेश दीक्षित ने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस के सिपाही उपस्थित रहे। यह जानकारी अमेठी कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह ने दी। अमेठी से अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट।